बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल हसन व्लॉग्स। डियर स्टूडेंट, आज हम द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में दो चीज़ें हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, हवा को अंदर लेकर जाना। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। स्टूडेंट, जैसे ही हवा को हम अंदर लेकर जाते हैं तो हमारे जो रिब के मसल्स हैं, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं और रिब्स हमारी बाहर की तरफ मूव करती हैं। जैसा कि ये आपको वीडियो में मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे रिब्स जो हैं अब वो सिकुड़ रहे हैं और बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक्चुअली इंस्पायरेशन है। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लोअर। इसी दौरान जो डोम शेप गुंबदनुमा डायाफ्राम होता है, जो हमारे लंग्स के नीचे पाया जाता है, वो सिकुड़ जाता है और नीचे की तरफ मूव कर जाता है। अब डोम शेप की इस मूवमेंट की वजह से थ्रेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। एरिया इंक्रीज होने की वजह से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। लंग्स के ऊपर जैसे ही प्रेशर कम होता है तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, उनके अंदर अब स्पेस क्रिएट हो गई है। अब इस स्पेस और प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए बाहर से हवा अंदर की तरफ लंग्स में आती है, ताकि दोनों साइडों पे जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज किया जा सके। इसी को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन के बाद हम बात करेंगे एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, हवा को बाहर निकालना। आफ्टर द गैसिक चेंज इन लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल आउट इन एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में लंग्स के अंदर गैसों के तबादले के बाद जो इम्प्योर एयर होती है उसको बाहर खारिज कर दिया जाता है। जैसा कि ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये एक्सहेलेशन है। एक्सहेलेशन में द रिब मसल्स रिलैक्स, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब एक्सहेलेशन में स्टूडेंट्स, हमारे जो रिब्स के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। डायाफ्राम आल्सो रिलैक्स, डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है और दोबारा फिर अपनी डोम शेप गेन कर लेता है, जिसकी वजह से स्पेस रिड्यूस हो जाती है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, हमारे जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं तो वो जो इम्प्योर एयर होती है वो एक्सपेल आउट ऑफ द लंग्स हो जाती, मतलब लंग से बाहर खारिज कर दी जाती है। अब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं कि ये किस तरह होता है। ये देखें, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रही है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि इंसान जो है उसका ब्रीथिंग रेट कैसे डिक्रीज होता है, कैसे नॉर्मल रहता है और कैसे इंक्रीज होता है। नॉर्मल कंडीशन में इंसान का जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 20 टाइम्स होता है। ये ब्रीथिंग रेट रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। और ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के सेंसिटिव होता है। यानी कि जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होगी तो ब्रीथिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट, यही वजह है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड जॉब वजनी काम करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। अब आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे ही रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड आल्सो इंक्रीजेस। ये जो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को
मैसेज सेंड करता है जो आगे रिब मसल्स को कन्वे किया जाता है, और हमारा डायफ्राम क्या करता है, फिर हमारे ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। अब ये ब्रीथिंग रेट क्यों इंक्रीज किया जाता है? सो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी, कि ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाए। इस दौरान जो हमारा ब्रीथिंग रेट होता है वो 30-40 टाइम्स पर मिनट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, सांस लेने का अमल है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। जज़ाकअल्लाह खैर।